डबल बेड और डबल लेयर वाला बहुत बड़ा ब्लैंकेट है हमारे पास, जो वॉश होगा मेरे इस 40 केजी के मशीन में। तो इसके लिए हम जो भी केमिकल यूज करने वाले हैं ना, तो वो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। और ब्लैंकेट लाइट कलर का है, और ब्लैंकेट नॉर्मली बहुत दिनों बाद, महीनों बाद या सालों बाद वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में आते हैं, तो थोड़ा सा केमिकल भी हमें अच्छे से यूज करना पड़ेगा। और आधा काम हमारे केमिकल का है और आधा काम हमारे मशीन का है, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले फैब्रिक ब्राइटनर कम व्हाइटनर, ये ब्लीच नहीं है, टीनोपॉल जैसा वो फॉर्मूला है, टीनोपॉल जैसा फॉर्मूला है, बट इसको वॉशिंग के टाइम पे यूज करना है, तब जाके कपड़ों में अच्छे से ब्राइटनेस आएगी। डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में भी यूज करोगे तो चलेगा, नॉर्मल वॉशिंग मशीन में भी यूज करोगे तो भी चलेगा। तो ये हमने और 50-50 ml तक मुझे लेना है। और देख लीजिए येलो कलर है इसका, ऑक्सी ब्लीच है। ऑक्सी ब्लीच इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ब्लैंकेट काफी ज्यादा मैले होते हैं और उसमें जो भी हम मटेरियल बनाएंगे ना, उसमें अच्छी सी चिकनाहट आनी चाहिए, धूल मिट्टी ऑयल स्टेन काफी सारा कुछ होता है ब्लैंकेट में। तो ये भी मैं 40 ग्राम के आसपास यूज करूंगा। और हमारे पास ब्लैंकेट ड्राई क्लीनर है, केमिकल डेडिकेटेड ब्लैंकेट के लिए है, तो वो भी मैं 50 ml के आसपास यूज करना चाहता हूं। और ये कॉन्सेंट्रेट है, काफी ज्यादा गाढ़ा है। तो अभी हम डालेंगे हमारा ब्लैंकेट। और इसके अलावा एक केमिकल ऑयल है जो मैं लास्ट में यूज करूंगा खंगाल के टाइम, तो बने रहिए इस वीडियो में। और मैं भी आपको ब्लैंकेट दिखा देता हूं। ये और एक केमिकल है जो खंगाल के टाइम यूज करेंगे, ये फैब्रिक कंडीशनर है यूनिवैक्स कंपनी का। चारों केमिकल हमने यूनिवैक्स कंपनी के यूज किए। और ये ब्लैंकेट देख लीजिए लाइट कलर का है, इसीलिए मुझे फैब्रिक ब्राइटनर भी यूज करना पड़ा। अभी ये ब्लैंकेट जाएगा मशीन में और 10 से 15 मिनट तक इसको सोकिंग होने दूंगा, तब तक मैं मेरा दूसरा काम कर लेता हूं। एक मिनट हमारा मशीन में घुमाता हूं, उसके बाद में मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टॉप कर दूंगा, तब तक ब्लैंकेट अच्छे से सोकिंग हो जाएगा। 15 से 20 मिनट तक ये सोकिंग हो गया ब्लैंकेट, तो अभी इसको 15 मिनट का टाइम लगाएंगे। और मैं बीच में आपको दिखाऊंगा अभी कि हमारे केमिकल का जो फोम है ना झाग, वो कितना हुआ है, वो बीच में आपको खोल के दिखाऊंगा। अभी चल पड़ा है मशीन, 5-6 मिनट उसको अच्छे से वॉश होने देते हैं, उसके बाद में हम चेक करके देखेंगे कितना झाग इसमें हुआ है। बने रहिए इस वीडियो में। तो मशीन हमारा 15 मिनट वॉश हो गया है, मैं आपको इसका झाग दिखा देना चाहता हूं। देख लीजिए काफी अच्छे से झाग मशीन में हुआ है हमारे मटेरियल से, और स्मेल भी काफी अच्छे से आ रहा है। ये सारा केमिकल ड्रेन करेंगे इसमें से हम, तो अभी लास्ट खंगाल होगा, फैब्रिक कंडीशनर हम इसमें यूज करने वाले हैं। और ये मैं एक पूरा ढक्कन डाल देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा गाढ़ा है, ये इतने में हो जाएगा। आपने ब्लैंकेट अच्छे से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, बट उसमें अच्छा स्मेल नहीं आएगा तो कस्टमर को कैसे फील होगा कि अच्छा क्लीन हुआ है, साफ हुआ है, फ्रेश हुआ है। तो ये अच्छे फैब्रिक कंडीशनर से होगा दोस्तों। तो
तो बस ये भी ब्लैंकेट में यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी इसको 5 मिनट वॉश करता हूँ, पानी भी इसका निकाल लेता हूँ, और यहां से हाइड्रो में डालने की जो मशक्कत है ना, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। अभी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ताकत वाला काम है ये ब्लैंकेट यहां से उठा के वहां पे डालना, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, वो वाला हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। और जिम जाने का फायदा मुझे होने वाला है, क्योंकि ये गीला हो जाने के बाद में ना कई गुना ज्यादा इसका वजन हो जाता है। तो बस आपको कितनी तकलीफ होती है ब्लैंकेट उठा के इसमें डालने में, तो कमेंट में बताइए। एक मिनट में 80% पानी निकल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है ना, इसमें कम से कम 8-10 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को जोड़ के वीडियो बनाई जाती है, और केमिकल भी यूज इसमें होते हैं। तो देख लीजिए कितना ब्राइटनेस इसमें आ गया है, और 90% तो ड्राई हो यही हो गया है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और जो भी केमिकल मैंने यूज किया उनके ऑनलाइन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, काफी फ्रेश और काफी अच्छे स्मेल कर रहा है। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।